नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के जिला मंडला से। बैंक लोन के नाम धोखाधड़ी। मंडला में जागरूकता के अभाव में धोखाधड़ी के मामले अक्सर देखने मिल रहे। ऐसा ही ताजा मामला प्रकाश में आया, जहां एक महिला ने आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को बैंक लोन देने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की। महिलाओं ने शिकायत बमनी थाने में की। आरोपी महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मंडला आदिवासी क्षेत्र है। पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव स्पष्ट नजर आता है। भोले भाले लोग बहुत आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। बमनी इलाके की राजकुमारी नंदा, जो कि बैंक अधिकारी बनकर लोगों से अधिकतर महिलाओं से लोन दिला देने की बात करती थी, जिस पर उसने 7 महिलाओं से लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस गिरोह में एक और 6 आरोपी बनाया गया, जो कि जबलपुर में टेंट का काम करता है। आरोपी महिला जबलपुर के इस व्यक्ति से कोटेशन तैयार करवाती थी, जो कि पूरा फर्जी काम था। जब ठग चुकी महिलाओं को 2-3 वर्ष से रुपए नहीं मिले, तो इन्होंने पुलिस का सहारा लिया और शिकायत की। पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक ने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महिला ने निवास क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की। इस महिला के तार और किन किन लोगों से है, गंभीरता से जांच की जा रही। देखिए खबर मंडला से, प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। ये बमनी थाना अंतर्गत राजकुमारी नंदा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई कि इसने गांव की गरीब महिलाओं को स्वयं को बैंक का कर्मचारी बताकर और बैंक से लोन दिलाने के नाम पर इनसे किसी महिला से 60,000 रुपये, किसी से 50,000 रुपये अलग अलग राशि ले ली और इनको फिर लेके गई जबलपुर, और वहाँ पे सचिन टेंट हाउस है, वहाँ से कोटेशन इनको दिलवा दिया और 3-4 दिन में लोन सेंक्शन होने का इनको आश्वासन दिया। किंतु पिछले एक वर्ष हो गए हैं, एक वर्ष व्यतीत हो गया है, फिर भी अभी तक ना इनका लोन पास हुआ है और ये पैसे मांग रही हैं तो देने में भी ये मना कर रही हैं, बात कर रही हैं। तो इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाने में 420-419 इंडियन पिनल कोड का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इनको राजकुमारी नंदा को गिरफ्तार किया गया है और विवेचना की जा रही है। अभी तो वर्तमान में अभी राजकुमारी नंदा को ही गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। कितने लोगों ने शिकायत की है? ये 7 महिलाओं ने शिकायत की है और अन्य शिकायतें भी आने की उम्मीद है कि और भी महिलाएं गांव की जरूर आएंगी आगे शिकायत करने इनकी।